Hey everyone, welcome back. In this video I'm going to show you one very important thing. I'll be telling you about one of the most common doubts, so make sure to share this video. This is regarding the placements. What you are seeing on the screen is the official placement data, and I'll be breaking it down for you, some of the things. So the first queries you guys have, I'm from a core branch and should I do coding or not here at BIT Sindhi? कोर ब्रांच से कोडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका विद प्रूफ आई एम शोइंग यू द आंसर. आई होप अगर आपको कोई मैनिपुलेट करता है कि कोर ब्रांच से कोडिंग करो, ऑन कैंपस प्लेसमेंट में बैठ जाओ, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद मैनिपुलेट नहीं होने वाले हो. सो दिस इज़ द ऑफिशियल स्टैट्स, प्लेसमेंट स्टैट्स 2024 का, ये आपको हर जगह मिलेगा. BIT Sindhi ने ऑफिशियल ये रिलीज़ किया है. 50 रिक्रूटर्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, 50 रिक्रूटर्स. इसमें देखो क्वेश्चन क्या है कि आपको कोर में कोडिंग करना चाहिए या नहीं चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन कैंपस प्लेसमेंट. ऑफ कैंपस में तो आप कोडिंग करो या फिर आप डिज़ाइनिंग करो या फिर जो भी करो, हर चीज़ का स्कोप है ऑफ कैंपस में. आप यूट्यूब बनाओ, जो भी बनाओ ऑफ कैंपस में हर चीज़ का स्कोप है. आप कॉमेडियन बनना चाहते हो, भले आप इंजीनियर हो बट कॉमेडियन बनना चाहते हो, तो ऑफ कैंपस वो देख सकते हो. बट ऑन कैंपस आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको जॉब ऑन कैंपस चाहिए, तो मैं आई एम गोइंग टू थ्रो लाइट्स ऑन द ऑन कैंपस प्लेसमेंट इफ़ यू डू कोडिंग फ्रॉम कोर ब्रांच. कोर ब्रांच क्या है? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटल, केमिकल, माइनिंग, सिविल, प्रोडक्शन, इसका बात करें. CSE, IT, EC. इलेक्ट्रिकल भी आप ले सकते हो, CSE, IT, EC इलेक्ट्रिकल, काफ़ी हद तक सर्किटल ब्रांच इतना ले सकते हो. बट अगर आप मैकेनिकल, मेटल, केमिकल, माइनिंग, सिविल, प्रोडक्शन की बात करो और वहाँ आपको कोडिंग करना है, तो सी द स्टैट्स. अडानी ग्रुप कोर कंपनी है, दिस इज ऑल्सो कोर. कैप गिवनी मास रिक्रूटर्स है, ये कोचिंग कंपनी है, ये भी कोर कंपनी है. ये आपको कोर दिख रही हो, बीच बीच में मैं उठाऊंगा. डेलॉयट कंसल्टेंसी कंपनी है, SDE रोल के लिए नहीं आती, कंसल्टेंसी है. और HUL कोर, हिटाची, ये हिटाची किस किस को हायर करता है? ये CSE, IT, EC इलेक्ट्रिकल को हिटाची उठाता है. बट पहले वीडियो को पूरा देखो, फिर सब समझ में आ जाएगा. HUL कोर कंपनी इंडोरामा कोर है, ITC सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए आती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच ये स्टूडेंट्स उठाती है. जिंदल कोर, ये भी कोर कंपनी, कोर, JSW कोर, जुस्को कोर, LNT कोर, महिंद्रा कोर, मैटिक्स फर्टिलाइजर कोर, MG सीटिंग कोर, नारायणा कोचिंग कंपनी, NBC बियरिंग कोर कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री कोर, सैमसंग CSE, IT, EC को उठाती है. ऑन कैंपस SD रोल के लिए आती है, 14.5 LPA. श्री सीमेंट कोर ऑब्वियसली, श्याम मेटेलिक्स कोर ऑब्वियसली, टाटा ऑटोकॉम कोर, ये सब कोर है. TCS कंसल्टेंसी कंपनी मास रिक्रूटर है, तीनों TCS. इसमें TCS निंजा और TCS प्राइम. निंजा 3.5 देती है, TCS डिजिटल 7, प्राइम 11 या 9 देती है. एक बार आप CTC चेक कर लेना, बट प्राइम और डिजिटल इसमें SD रोल रहता है, वो आप देख लेना एक चीज़. टेक्निप कोर है, दिस टू ऑल्सो कोर. अन अकेडमी ऑब्वियसली कोचिंग है, दिस इज कोर. वेदांता इज ऑल्सो कोर. विजा स्टील ऑब्वियसली कोर, वेल्सपन कोर. और यहामा मोटर्स का जॉब प्रोफाइल जो है तो एक बार आप चेक कर लेना, बट इसमें आई थ्रो द लाइट कि ये किस किस ब्रांच को उठाती है. तो बची कुछ ही कोडिंग कंपनी, क्या बची? कैब गिमिनी है नहीं कोडिंग, वो मास रिक्रूटर है मोस्टली. आपका TCS मास रिक्रूटर है, डेलॉयट आपका दूसरा कंसल्टेंसी कंपनी है, तो कोडिंग कंपनी बची ही क्या? SD रोल्स के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर के लिए. सैमसंग ना बची आपकी, हिटाची बची आपकी. सैमसंग, दिस इज सैमसंग. नाउ वेर इज हिटाची? दिस इज हिटाची. 11 नंबर पे हिटाची है, 31 नंबर पे सैमसंग है. और प्राइम और डिजिटल आप देखो, निंजा छोड़ दो 3.5 वाला, प्राइम और डिजिटल TCS जो कि थोड़ा हायर, प्राइम 7 का आसपास और डिजिटल 9 या 11 देता है. CTC एक बार चेक कर लेना. निंजा आप छोड़ दो, मास रिक्रूटर है. और क्या बची? यामा मोटर्स भी कोर कंपनी है. तो तीन ही बची, 3-4 कंपनी ऐसी बची जो SD रोल्स के लिए ऑन कैंपस अलाउ करती है. सबसे पहले हम लोग सैमसंग देखेंगे, क्या वो सब ब्रांच को अलाउ करती है सैमसंग? तो 31 नंबर पे आपको सैमसंग दिख रहा होगा, एक बच्चा इधर, दो बच्चा. CSE और IT से ही उठाया है, 1-1 स्टूडेंट सैमसंग ने. तो अगर आप कोडिंग करते हो तो सैमसंग में तो बैठने मिलेगा नहीं, CSE, IT, EC इलेक्ट्रिकल तक ही बैठने मिलता है. इलेक्ट्रिकल भी नहीं मिलता, CSE, IT, EC बैठने मिलता है. तो सैमसंग तो आपको मिलेगा नहीं, ऑब्वियसली खत्म कहानी सैमसंग का. CSE और IT से एक एक बच्चा उठाती है. हिटाची आप देख लो, हिटाची का CSE में 5 और
ईसी में चार, इलेक्ट्रिकल में एक और आईटी में तीन। तो आई हैव टोल्ड यू कि हिटाची सीएससी आईटी ईसी इलेक्ट्रिकल तक बैठने देती है, बाकी और कोई ब्रांच नहीं बैठ सकता। दो कंपनी गई यहाँ से। अगर आपको कोई बोलता है कि आपको कोडिंग करना चाहिए कोर में, ऑन कैंपस लग जाएगा। ऑन कैंपस का मैं बात कर रहा हूँ। अब आगे देखो, आगे देखो, टीसीएस प्राइम में दो दो एक चार, एक दस बच्चा। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट जो है ये प्रोडक्शन से है, बाकी मैकेनिकल से कोई नहीं। सीएससी आईटी ईसी, आप टीसीएस प्राइम का देख लो, सीएससी ईसी इलेक्ट्रिकल और आईटी और एक प्रोडक्शन। तो बस एक प्रोडक्शन से एक बच्चा उठाया है टीसीएस प्राइम 7 LPA का। टीसीएस निंजा छोड़ दो, 3.5 का मास रिक्रूटर। डिजिटल में एक चार दो दो पाँच, तो ये 5 स्टूडेंट जो है आईटी से, सीएससी आईटी ईसी इलेक्ट्रिकल टीसीएस डिजिटल उठाया और एक बच्चा प्रोडक्शन से उठाया। ये सीएससी आईटी ईसी इलेक्ट्रिकल है, तो इसमें भी मैकेनिकल माइनिंग यहाँ से बच्चा नहीं उठाता, एकाध बच्चा उठा रहा पूरे ब्रांच से। दो कंपनी है निंजा और प्राइम, और वो एक एक स्टूडेंट बस प्रोडक्शन से उठाए। तो आप कोडिंग करते हो तो आपको क्या लगता है, क्या फ़ायदा है आपको ऑन कैंपस? आप मेरे को ये बताओ, कितनी ही कोडिंग की कंपनी आपको दिख रही है? आप थ्रोन द लाइट ऑन द प्लेसमेंट्स। अब बाकी अगर आप कोर से हो, कोर पे ध्यान दो, कोर अच्छा स्ट्रांग रखो, स्पीकिंग स्किल अच्छा रखो, और टेक्निकल क्लब्स अपने ब्रांच सोसाइटी ज्वाइन करो जिससे थोड़ा फ़ायदा हो। और अगर आप सी एस सी आई टी सी की हो तब तो ऑब्वियसली आप कोडिंग करो, आपका उधर ही, आपको उधर ही जाना। बट आप मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर कि अगर आपको कोर से हो, कोडिंग करते हो, वेल एंड गुड, आपको ऑफ कैंपस देखना होगा। ये सब चीज़ आपको कोई नहीं बताता बी आई डी सिंदरी में, आई एम टेलिंग यू। अगर आप कोर से हो, कोडिंग करना चाह रहे हो, सिंपल लुक फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, ऑन कैंपस नहीं है इधर। आई होप आई हैव क्लियर इट, एंड थैंक यू गाइस इफ यू वॉच टिल द वेरी एंड। शेयर द वीडियो, सबको पता चले, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।